मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वजा मंगलम पुंडरी काक्षाय मंगलाय स्तनोहरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो राधा रानी की जय गोवर्धन भगवान की जय 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 प्रकाश और आकाश ये कुल 20 बच्चे थे जिन्होंने साइकिल चलाई थी। हम सभी को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं जो स्वीकार करें माननीय श्री मंत्री जी महाराज के हाथ से और इनकी कृपा से। आगरा से ज्यादा मथुरा में यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और जो जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं उनका ठहराव नहीं है, उनका यहाँ पर टूरिस्ट बड़ा प्लेस है। टूरिस्ट बड़ा प्लेस है मथुरा और गोवर्धन में। कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है, मथुरा का अपना जी धार्मिक महत्व है, आगरा का भी अपना एक विशेष महत्व है। पिछले 4-4.5 वर्षों में मथुरा रेलवे स्टेशन पर जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं लगभग 30 करोड़ रुपए हमने खर्च करके उसको पूरा किया है और भी काम पाइपलाइन में है जो शीघ्र हम पूरा कर लेंगे। मोटे तौर पर जो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय रेल के लिए है वो कंजेशन है, माने यातायात का घनत्व। जैसे मथुरा पलवल थर्ड लाइन हम बना रहे हैं, फोर्थ लाइन का निर्माण हम कर रहे हैं, तो 3,000 करोड़ की परियोजनाएं मथुरा और आसपास केवल सीमलेस ट्रैफिक चले इसके लिए हम पूरा कर रहे हैं। और इस आगरा डिवीजन में लगभग 8,000 करोड़ की परियोजनाएं पिछले 4 वर्षों में हमने शुरू की हैं, जिनमें काफ़ी कुछ पूरा हो गई हैं, कुछ चल रही हैं फाइनल स्टेज में। तो वृंदावन के बीच मथुरा वृंदावन के नीचे तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि रेलवे का एक अच्छा नेटवर्क इस इलाके में हो इसकी पूरी हमने चिंता की है और भी जो आवश्यकताएं होंगी हमसे पूरा। मंत्री जी मंत्री।